बहुत बहुत शुभकामनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं। ऐतिहासिक दिन तो तब हो जब आज से नया इतिहास हो। सर्वधर्म संभाव की बात अचानक से करने लगे हैं दो दिन से। मोदी सरकार नहीं, एनडीए सरकार, यानी कि सामूहिकता जो लोकतंत्र का आभूषण है, कलेक्टिव, उसको दृष्टिकोण में रखते हुए और ये ध्यान में रखें माननीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार बन रहे हैं। इस देश का चरित्र महासागर वाला है, इसे तालाब मत बनाइए। समुदायों कौमों के बीच में सौहार्द बना रहे, आर्थिक नीतियां क्रोनी पूंजी के गलबहिया में ना जाएं, ये सब हमारी अपेक्षाएं होंगी। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रधानमंत्री जी। सेंट्रल की तरफ से बिहार में दशकों से निराशा ही रहा है, लेकिन इस बार चिराग पासवान की पार्टी, जीतन राम साहब की पार्टी, नीतीश बाबू की पार्टी एनडीए सरकार में हिस्सेदार के तौर पर, और बीजेपी भी रहेगी, बीजेपी, जेडीयू, मांझी जी, चिराग जी। तो जाहिर है जो बार बार तेजस्वी जी कह रहे हैं कि अगर ये सारे नेता आज आप किंग मेकर की भूमिका में, तो आपको बिहार का कुछ कर्ज है, बिहार की कुछ अपेक्षाएं, उसको लाना होगा। 2005 से या बैंक बाबू से पूर्व से बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग हो रही है। बिहार को लेबर सप्लाई स्टेट बना करके केंद्र अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। इस स्थिति में बदलाव के लिए आपको स्पेशल पैकेज पे देना होगा। तीसरी चीज, जातिगत जनगणना बिहार से ही आवाज उठी, बिहार ने करवाया, इंडिया गठबंधन ने कमिट किया था पूरे देश में। आज नीतीश जी हैं, उनकी भी ख्वाहिशें वही हैं, पूरे देश में जातिगत जनगणना हो। हमारा जो आरक्षण है, जो हमने दायरा बढ़ाया, वो दायरा उसी अनुरूप केंद्र में भी बढ़े और उसे 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। ये तो मोटे मोटे तौर पर जो चार पांच चीजें जिसके लिए सब कभी न कभी बोलते रहे, आज बिहार को ये सारी चीजें हासिल हो, ये हमारी कामना होगी। दूसरा, नीतीश बाबू को लेकर प्रूफ के साथ दावा किया कि उनको इंडिया ब्लॉक की तरफ से प्रधानमंत्री पद का ऑफर किया गया, हमने ठुकरा दिया क्योंकि यही इंडिया ब्लॉक है जो उनको संयोजक बनाने को तैयार। खैर, ये तो इस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, मैं और मेरी पार्टी सब कुछ जानते हैं किसने प्रस्ताव दिया नहीं हुआ। ये हम ये बार बार कह रहे हैं कि नीतीश जी की बहुत बड़ी भूमिका थी इंडिया गठबंधन को सीमेंट करने में, पटना से ही शुरुआत हुई थी। अब वो इतिहास का एक अलग कालखंड था, उसको छोड़ा जाए। अभी जो बार बार तेजस्वी जी भी कह रहे हैं कि अगर इतनी बड़ी भूमिका में नीतीश जी, तो ये मौका है कि बिहार पर, मतलब केंद्र का जो, केंद्र पर जो बिहार का कर्ज है वो उतारा जाए। किसने प्रस्ताव दिया, नहीं दिया, ठुकरा दिया, स्वीकार किया, ये सारी चीजें राजनीति में ऐसी चीजें होती हैं कि कब क्या बदले, इसकी इसको प्रेडिक्ट। देखिए, कोई भी व्यक्ति जो राजनीति में है वो सपना नहीं देखे। क्या मोदी जी के मंत्रिमंडल में जो लोग हैं जो उनके साथ है, सपना नहीं देख रहे? तो वो एक ऐसी चीज होती है जिसमें कई सारे फैक्टर्स काम करते हैं और उसके आधार पर निर्णय होता है। अभी 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 मैं मानना हूं ना, मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि कई मीडिया के साथी भी हनीमून फेज में तलाक के लक्षण ढूंढ रहे हैं, ऐसा होता नहीं है। हनीमून इज हनीमून, डिवोर्स की चीजें आगे एक एक विषय पर, क्योंकि मैं बार बार दोहरा रहा हूं, गौर करिएगा, नीतीश जी और चंद्रबाबू जी की सामाजिक पृष्ठभूमि, राजनीतिक पृष्ठभूमि अलग किस्म की है। वो भैंस मंगलसूत्र मुजरा टोटी तोड़ देगा, बिजली काट देगा वाले विमर्श के साथ कभी सहज नहीं होंगे। ऑफर किया गया था पीएम पोस्ट, ये मैं कैसे कहूं, मैं तो नहीं हूं उसमें, किया गया था अगर नहीं, मैं हूं ही नहीं, नहीं नहीं, मेरा कहना स्पेकुलेशन में बातें नहीं होती, स्पेकुलेशन में नहीं। एक और कंपैरिजन हो रहा है, जो कांग्रेस ने तीसरे टर्म में जरूर मोदी ले रहे हैं प्रधानमंत्री के पद पर शपथ, लेकिन नेहरू से तुलना ना किया जाए, नेहरू तीसरी बार भी टू थर्ड मेजोरिटी नहीं, उसको छोड़ दीजिए, इस आधार पर तो मैं कहूंगा नहीं। 50 वर्ष पीएम रह जाएंगे, नेहरू बनना आसान नहीं। नेहरू सिर्फ पीएम बन के मशहूर नहीं हुए थे, नेहरू जैसी सोच एक ऐसा देश मिला था जो पार्टीशन से निकला था, खून की नदियां बह रही थी, पूरी उनकी टीम, सरदार पटेल, आजाद, भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब, जितने ये लोग थे, इन्होंने एक ऐसे देश को ग्रहण किया था ना जिसको सजाना सवारना था, इन्हें तो सब कुछ अच्छा अच्छा मिला। तो ये 50 न 70 बरस और प्रधानमंत्री रह जाए, नेहरू थोड़ी ही बन पाइएगा। कल जो सोनिया गांधी ने कहा कि को मिली है, अब जब वो संसद भवन में आए तो उन्हें जवाबदेही का आह्वान करना चाहिए, जो विपक्ष के प्रति उनका रवैया रहा,
जो विपक्ष को सस्पेंड कर दो, बिल पास करा दो, मैं उम्मीद करती हूं कि उस दायरे से मोदी अब बाहर। नहीं, ये उम्मीद हम सबको है। जब वो हमारी संविधान को चूम रहे थे, नमन कर रहे थे, तो ये सारी चीजें रिटोरिक लगती हैं, सिंबॉलिक लगती हैं। अगर मनसा वाचा कर्मणा में आप संवैधानिक मूल्यों को नहीं उतारते, विपक्ष के लिए किस तरह के शब्दों का आप प्रयोग कर रहे थे? अपने विपक्ष को नक्सली, टुकड़े टुकड़े गंग, ये होती है जुबान। आप एनडीए के अब हैं, आप अच्छी बात है, आप मोदी सरकार नहीं बोल रहे हैं खुद भी, वैसे आप तो अपने नाम में खुद जी लगा के बोलते हैं मोदी जी, मैं पहले व्यक्ति मैंने देखा मेरी कि अब संवैधानिक मूल्यों पर चलिए, विपक्ष के साथ संवाद करिए, अपने 150 एमपी सस्पेंड करवा दिए, ऐसा होता है? ये कौन सी डिक्टेटोरियल पॉलिटिक्स के लिए यहां जगह नहीं है। एक सर आखिरी सवाल है, जिसे हम दक्षेस कहते हैं, दसों देश के ज्यादातर देशों से मेहमान आए हुए हैं, और क्या इससे भारत का लोकतंत्र छोटा नहीं होता है? जब ममता बनर्जी कहती हैं कि मुझे इनविटेशन नहीं है, होता भी तो मैं शपथ ग्रहण में नहीं जाती, जबकि वो एनडीए की हिस्सा रही है, या बीजेपी की तरफ से आप लोगों को लगता है वो सम्मान नहीं मिला, जिस वजह से आप लोग देखिए इतनी मरकी पॉलिटिक्स की है, इतना जहर खोला, बाहर सांस लेने को दिक्कत करती थी चुनाव के दौरान, कितना जहर, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, पहले तो जहर को कंट्रोल करें। मोदी जी कहें कि ये जहर मैंने घोला था चंद सीट और पाने के लिए, वो जहर मर्यादा पुरुषोत्तम भी वही कह रहे हैं, अयोध्या का जो संदेश है ना, मर्यादा पुरुषोत्तम भी यही कह रहे हैं कि अगर मेरे मंदिर की इनॉग्रेशन का श्रेय लेना चाहते हो तो मेरे व्यक्तित्व का कुछ हिस्सा ले लो, वो संभव ही नहीं दिख रहा। इन्विटेशन आपको भी नहीं है अभी तक? तो आया नहीं है।